तो अगर आपने भी NCVT MIS पे रेज ए ग्रीवेंस किया हुआ था अपने रिजल्ट से रिलेटेड या प्रोफाइल से रिलेटेड, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो 7 जुलाई थी। नोडल ऑफिसर्स जितने भी थे, नोडल ITIs, वहाँ से उसका 7 जुलाई तक जो भी निस्तारण था वो कर देना था। तो उसका भी अपडेट आना शुरू हो गया है। जो भी लोग ग्रीवेंस रेज किए थे, आप अपना मेल चेक कर सकते हो, या अगर आपको मेल नहीं आया तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, NCVT MIS अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करना है। यहाँ से जो नए ग्रीवेंस रेज हो रहे थे, जो नए ग्रीवेंस हैं वो अब रेज होने बंद हो चुके हैं। सिर्फ जो पुराने उनका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल रिलेटेड ग्रीवेंस कल तक ओपन था, जो कि अब बंद हो चुका है। तो आपको यहाँ से आना है कंप्लेंट टूल पे। कंप्लेंट टूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए ग्रीवेंस व्यू है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, अभी आपके पास एक ग्रीवेंस ID होगी। जिनके पास वो ग्रीवेंस ID नहीं है उनके लिए हम बता दें, अगर आपके पास ग्रीवेंस ID नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, GR लिखेंगे, इसके बाद अपना जो रोल नंबर है वो लिखेंगे, पूरा आपका जो भी रोल नंबर होगा। और रोल नंबर कंप्लीट लिखने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, 0001, 0002, अगर आपने दो ग्रीवेंस रेज किए 0002, तीन किए 0003, रोल नंबर के लास्ट में लगा देना, वही आपकी ग्रीवेंस ID होगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्रीवेंस ID है, मैं उससे चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा देते हैं क्या स्टेटस शो कर रहा है, नोडल ITI ने उस पर अपना क्या कमेंट दिया है, यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने डाल दिया है ग्रीवेंस ID, देखिए GR, फिर आपका रोल नंबर है, लास्ट में आपका है 0001। इस पर हम गो पे क्लिक करते हैं। जैसे आप गो पे चलेंगे आपको देखिए यहाँ पे एक ग्रीवेंस ID आपकी दिखेगी। ये इन्होंने इसको रेज किया था, एग्जामिनेशन रिलेटेड था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड ED यानी इंजीनियरिंग टाइम में इनका बैक था, उसके लिए इन्होंने रेज किया था। तो जिसका ग्रीवेंस सॉल्व हो चुका होगा वहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे क्लोज दिखाएगा, कि स्टेटस क्लोज हो चुका है। अगर ओपन है मतलब अभी उस पर कोई कमेंट नहीं आया है। डिटेल में चेक करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका, तो कुछ इस तरह से एक डिटेल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इनका क्या था, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड था, काइंडली रीचेक का इन्होंने ऑप्शन दिया था। एंड नोडल ITI का रिमार्क क्या आया है, रिजेक्टेड बाई नोडल ऑफिसर, उनका रिमार्क है नो चेंज, मतलब इन्होंने जो मार्क्स पाए थे वही मार्क्स हैं, इनका कोई भी उसमें मार्क्स मैच करने पे या कुछ करने पे कोई भी चेंज नहीं पाया गया। अगर चेंज पाया गया होता तो वो यहाँ पे अपडेट होता। तो इस तरीके से आप अपना ग्रीवेंस चेक कर सकते हैं। सभी लोग जो भी प्रोफाइल रिलेटेड था या एग्जामिनेशन रिलेटेड था उसका अपडेट आना स्टार्ट हो गया है, ज़रूर चेक करिए। और जिनकी ग्रीवेंस ID नहीं है वो ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, GR के साथ अपना रोल नंबर लगाना है, लास्ट में आपको 0001 लिखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप कंप्लेंट अपनी ज़रूर चेक करिए सभी लोग। और साथ ही साथ यहाँ पे हम बता दें आपको कि जो ग्रीवेंस का अपडेट आ जाएगा इसके बाद, अभी तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ीस रोकी गई है, तो जिनका ग्रीवेंस में रिजल्ट अपडेट हो जाता है, पास हो जाते हैं उनका तो ठीक है, जो नहीं पास होते हैं उनके लिए जैसे ग्रीवेंस का पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो जमा होगी, और उसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई एंड अगस्त में कंडक्ट कराए जाएंगे, उसमें आप लोग ज़रूर बैठिएगा। उसके लिए आप चैनल से स्टडी कर सकते हैं। चैनल पे अप्रॉक्स हमने 13 ट्रेड्स के जो हैं ट्रेड थ्योरी और ये सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं, साथ ही आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी मिल जाएगा इस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशंस, सारी अपडेट, सारी स्टडी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। ये चैनल डेडिकेटेड है पूरी तरह से ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एग्जामिनेशन रिलेटेड, साथ ही कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए। तो थैंक यू सो मच।